हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद एमबीबीएस। आई एम राधिका अग्रवाल, करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय सेकंड ईयर विद डिस्टिंक्शन। आई हैव स्कोर्ड 76%। रिसेंटली हमारे वीडियो पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि हम सेकंड ईयर एमबीबीएस कैसे पढ़े, कैसे प्लान करें। बहुत डिफिकल्टीज आ रही है लोगों को एंड दे आर आस्किंग फॉर अ वीडियो ऑन सेकंड ईयर एमबीबीएस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्लान एंड स्टडी फॉर सेकंड ईयर एमबीबीएस so that it turn out to be the fruitful year for you. So let's get started. First of all, you have to look for the sources. You have to gather information. Main, मेरे पास आपके लिए चार sources हैं। जो दो तीन sources होते हैं वो सबको पता होते हैं, लेकिन जो last वाला source है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ वो सबको नहीं पता होता है। तो वो resources है, पहला है video, second है textbooks, जो इतनी सारी books आप पढ़ते हैं, और है question banks, और जो लास्ट रिसोर्स जो आपको सबको पता है लेकिन आप सब अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है पोस्टिंग्स। नाउ वी नीड टू नो द सीक्वेंस ऑफ दिस सोर्सेस। सोर्सेस तो सबको पता है लेकिन क्या सीक्वेंस फॉलो करना है वहीं पे सब गलती कर देते हैं। तो फर्स्ट है, आप सबसे पहले अपना टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। जनरली सब लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक डिसाइड करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम एक बार टेक्स्ट बुक से उसका रिव्यू कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर वीडियो देखते हैं कॉन्सेप्ट्स के लिए। बट मेरा जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं एक टॉपिक डिसाइड करती हूँ, फिर मैं उसका कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेती हूँ थ्रू वीडियो। तो फर्स्ट आई डिसाइड द टॉपिक। सपोज मैंने टॉपिक डिसाइड किया है सेल इंजरी का, फिर मैंने वीडियो देख लिया उसका, मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए। और फिर थर्ड स्टेप होती है मेरी टेक्स्ट बुक। तो मैंने अब क्या किया, वीडियो पहले देख के, कॉन्सेप्ट पहले समझ के मैंने अपना टाइम सेव कर लिया। वीडियोस देखने के बाद जब मैं टेक्स्ट बुक में जाती हूँ तो मेरा वो हाफ टाइम में ही वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे वो हार्ड टॉपिक हो। ऑल्सो टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक और एक बेनिफिट होता है कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं टेक्स्ट बुक में वो आप अपने नोट्स में एनोटेट कर सकते हैं बाद में, क्योंकि हमेशा टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। सब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक में इतने सारे दूसरे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि आप उसे अपने नोट्स में अगर डालेंगे तो उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर नोट्स। लास्ट है पोस्टिंग्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि पोस्टिंग जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाओ खड़े रहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, वार्ड्स में है, हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हम पोस्टिंग्स जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर आपको कल होने वाली सर्जरी का थरो नॉलेज है, आपने पूरे वीडियोस देख लिए, उसके सारे क्वेश्चन बैंक्स छुड़ा लिए, बुक भी पढ़ ली, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो क्यों फिर आपको पोस्टिंग में कुछ नहीं समझ में आएगा? क्यों आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज से आप पीछे हट रहे हैं उस पोस्टिंग में जाने की? तो पोस्टिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ वॉट यू हैव रेड। सेकेंड प्रॉब्लम जो थी बहुत से लोगों की वो ये थी कि हम इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स है लाइक फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, उन सबको कैसे पढ़े। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स है, फार्मेक के, ड्रग्स, माइक्रो के, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, पैथो में इतने सारे न्यूप्लाजम्स, हम कैसे रिवाइज करें, कैसे पढ़े, क्या अप्रोच रहे। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है एक बार जब आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाए। तो अगर कोई भी हार्ड चीज़ आपको लगती है तो स्टार्ट योर डे विथ हार्ड थिंग्स। पहले ही अगर आप उसे कंप्लीट कर लो तो एट द एंड ऑफ द डे आपका लोड कम हो जाएगा। तो आप फार्माकोलॉजी को मॉर्निंग में कर सकते हैं। दूसरा, वीडियोज देख के आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एक तीसरा ही प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज ड्रग्स के नेम, जो सारे स्टूडेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दैट इज कि ड्रग्स के नाम ही याद नहीं हो रहे, कैसे करें इतने सारे ड्रग्स के नेम, और फिर वो सारा एक समान ऐसा पूरा मिक्सचर हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप वो फॉलो करेंगे, क्योंकि टेक्निक तो सब बता देते हैं लेकिन आप है जो वो फॉलो नहीं करते। तो आपको ये टेक्निक फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ 21 डेज तक। एक्चुअली 21 डेज का ऐसा रहता है कि अगर आप 21 डेज तक वो कंटिन्यू वो चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको उसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डे आज से ही आप इसे कर लीजिए कि फर्स्ट डे आपको एवरी डे एक क्लासिफिकेशन याद करना है थरेली, एकदम
आप और मेमोराइज कर लीजिए सारे ड्रग्स के नेम एक क्लासिफिकेशन के। फिर सेकेंड डे जब आप एक न्यू क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप अपने मन में सबकॉन्शियसली आप वो मतलब वो याद कर सकते हैं, वो मेमोराइज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं उन वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का। और थर्ड डे भी आपको थर्ड क्लासिफिकेशन करना है तो आप फर्स्ट और सेकेंड को उसमें रिवाइज करें, तो उससे आपकी चेन बन जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं 21 डेज वाली टेक्निक। और ये आप सिर्फ ड्रग्स के नेम्स ही नहीं, आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ अगर आपको याद करनी है तो आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है फॉर माइक्रोबायोलॉजी। अभी क्या हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी है वो अपने सारे बुक्स का जो फॉर्मेट है और वो शिफ्ट कर रही है अपना कोर्स टूवर्ड्स क्लिनिकल फॉर्म। वो मतलब इसका आप समझिए कि ये इंडिकेट क्या कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है और प्रिपेयर कर रही है स्टूडेंट्स को फॉर नेक्स्ट एग्जाम, जो मोर क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की तरफ देखती है। दैट मींस इन माइक्रोबायोलॉजी इट इज नॉट ओनली अबाउट बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी बट टू कोरिलेट विद द पैथोलॉजीज दे आर कॉजिंग। फॉर डिटेल प्लानिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके कार्ड आएगा, उसे आप क्लिक कीजिए और हमारा एक डिटेल रिव्यू है अबाउट हाउ टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी को सब बोलते हैं कि बहुत वास्ट है, उसके दो दो वॉल्यूम है, पहले जनरल है फिर सिस्टेमिक है, बट नहीं, अगर आपको करेक्ट वे पता है पैथोलॉजी पढ़ने का तो इट इज़ वेरी इजी। सबसे पहले तो तीन मेन टॉपिक्स होते हैं जनरल पैथो में, दैट इज सेल इंजुरी, सेकेंड है इन्फ्लेमेशन और थर्ड है नियोप्लेसिया। ये तीन टॉपिक्स को आप मास्टर कर लीजिए, ये होते हैं बेसिक्स वॉल्यूम टू के, दैट इज सिस्टेमिक के, तो इसे आप मास्टर कर लीजिए। ये सिंपल है, से मतलब बहुत ही सिंपल होता है जनरल। सेकंड है सिस्टेमिक पैथोलॉजी, इतने सारे सिस्टम्स हैं अब कैसे इनका पैथो करें, कोई बिनाइन ट्यूमर है, कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लिम्फोमास है, ल्यूकेमियाज है, अब कैसे करें, इतने सारे सिस्टम हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई सिस्टम चालू करते हैं, सपोज किडनी रीनल, सपोज देयर इज अ टॉपिक रीनल सेल कार्सिनोमा, तो आप डायरेक्टली अगर रीनल सेल कार्सिनोमा में जंप करोगे तो कैसे आएगा आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नॉर्मल हिस्टोलॉजी है उसी वक्त व्हेन यू आर स्टार्टिंग द टॉपिक उसी वक्त आप उसकी नॉर्मल हिस्टोलॉजी समझ लीजिए, क्या कैलिसेस होते हैं, हाउ दे आर मतलब आप वो कैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल हिस्टोलॉजी मतलब कैसे दिख रहे हैं, कौन से कलर से स्टेन हो रहे हैं, किडनी कैसे दिख रही है, उसके डिफरेंट सेल्स कैसे दिख रहे हैं, उसके डिफरेंट ट्यूब्स कैसे दिख रही है, स्ट्रोमा कैसा है, कॉर्टेक्स कैसा है, एवरीथिंग आप उसी टाइम पे समझ लीजिए। एंड देन आप उसकी मतलब वो सेल नॉर्मल है, और जब आप उसकी एनोमली या फिर कोई कार्सिनोमा देखोगे तो बस वो आपको देखना है कि उस सेल में क्या चेंज हुआ है, तो उस समय आपको बहुत आपका मतलब पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको हमेशा वो याद रहेगा। तो बेसिकली आपको क्या मिला इससे कि जो सिस्टम ऑफ स्टडी है, द सिस्टम ऑफ स्टडी इज प्रमोटिंग द सिस्टम वाइज स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट for medical students. So before you go ahead with this video, let us quickly talk about revision, its importance and how to effectively revise a topic. So as students, we generally tend to delay or avoid our revision sessions at all. The reason is that we think that revision will consume a lot of our time in which we could study a new topic. So this is the biggest mistake which we as students make. Revision is an art, my friend. Something which you master as you keep on doing it. And the good news is that PrepLadder has recently introduced an entirely new segment dedicated towards the revision of all 19 subjects of MBBS, and it is called Rapid Revision 3.0. So now I'll be reviewing the Rapid Revision 3.0. So here on the screen, you can see the complete dashboard of Rapid Revision 3.0, where there are lectures and question bank of all 19 subjects. Now moving on, what I have done. So I have recently finished the rapid revision session of pharmacology. So here on the screen, you can see the slides of the lecture that was being taught. And to be very honest, mujhe revise karne mein, starting mein thoda ek, main anxious tha ki pata nahi mujhse pura revision ho payega ki nahin. Lekin GRG sir ke lectures dekhne ke baad, the concepts of pharmacology were in front of my eyes in just one day. मैंने पूरा pharmacology बहुत अच्छे से revise कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं slides सारे lecture के, and now here are some clips of GRG sir himself teaching this pharmacology rapid revision session. So this 6-hour session
helped me to revise all the concepts, all the major high yield concepts from pharmacology all in one go. Also, there are question banks which highly emphasize upon the most important content of all, and they help you to actively recall what you have read. So it is very easy to explain. The whole format of this new segment, Rapid Revision 3.0, is same as that of the normal dashboard of PrepLadder. Here you will get videos, question bank, notes, everything. Here they have covered the revision of all 19 subjects with the aim to help you nail each one of it with the same proficiency. With the most concise, high yield and well-structured video content of around 180 hours, question bank with around 2500 hand-picked questions and notes which focus on previous year exam pattern, this is all that a student can ask for. So enroll yourself for the Dream Pack 2021 right now and enjoy the benefits of Rapid Revision 3.0. Now let's get back to the video. Third aim, a correct approach for planning. Always combine the hard topic with a easy topic. Aisa kyun bolte hain? In this way, your brain will function properly. Kyun? Kyunki hamara jo real target hota hai, jo main resistance hota hai, hamara kiske taraf hota hai? Real target harder topic ki taraf. Jo difficult topic hai, jo bada topic hai, wo hame bahut difficult lagta hai. To usko achieve ke kyun kaise karna hai? उसके साथ कंबाइन करो इजी टॉपिक को, बिकॉज ये जो इजी टॉपिक्स होते हैं ना, ये ब्रीदर का काम करते हैं. दैट मींस अगर आप एक हार्ड टॉपिक सुबह से कर रहे हैं और अगर आपने बीच में इजी टॉपिक कर लिया उसको कंप्लीट करने के बाद, तो क्या होगा, आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा. व्हेन यू कंबाइन योर हार्ड टॉपिक्स विद इजी टॉपिक, दैट विल कीप योर बोट सेलिंग स्मूथली. लॉट मेनी थिंग्स आर टर्निंग ऑनलाइन नाउ ड्यू टू क्वारंटीन. Many students find it difficult to sit at home and study and plan their study schedule. This is not at all a demerit. Take it as your advantage. आपको extra time मिल रहा है आपका पूरा prepare करने के लिए. बहुत सारे students की complaint होती है कि उन्होंने साल भर सिर्फ IMPs किए, उनका साल भर course complete ही नहीं हुआ. At the end of the year वो एकदम helpless हो जाते हैं और बोलते हैं मेरा तो course complete ही नहीं हुआ. लेकिन अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, घर बैठे आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आप वही सीक्वेंस फॉलो करें, वीडियोस, देन बुक, देन क्वेश्चन बैंक्स एंड पोस्टिंग्स. अब पोस्टिंग्स कैसे घर बैठे करेंगे, तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस होते हैं जो आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट्स रहता है उसमें, सर्जरीज होती है, OT आप देख सकते हैं उसमें इजिली, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं. एट दी एंड आई वॉन्ट टू एड समथिंग. द मिनट यू स्टॉप दिस वीडियो, think and plan for the big day of your life. Start where you are. Take baby steps. Every step matters. Thank you so much for watching this video. Please follow all the techniques which I have told you. I will meet you in another video.